हाय हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप शर्मा, आपका होस्ट, और अपने चैनल फंडामेंटल नेचर बॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है एक, मैं आपको ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बताना चाहता हूं, जो ये खाद है ये एक सच में एक बहुत ही गज़ब की खाद है। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत से लोग इसको नहीं पहचान पाएंगे, और इसकी पहचान बताने से पहले और सब चीज़ें बताने से पहले मैं आपको इसके गुण बता देता हूँ कि ये सच में इस के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मिनरल्स, जितनी भी चीज़ें पौधे को चाहिए उससे भी ज़्यादा चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। और ये पूरी तरह से बहुत ही ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र है। मतलब मैं इस फर्टिलाइज़र की जितनी भी तारीफ करूं वो कम है। और ये जितने भी पौधों को प्यार करने वाले, प्रकृति को प्यार करने वाले जितने भी लोग हैं, उनको इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने पौधों पे करना ही चाहिए। ये जो आज से पहले मैंने जितने भी फर्टिलाइज़र्स और जिन भी चीज़ों के बारे में मैंने बताया है, वो सब चीज़ों में आपकी मेहनत, आप मेरे पीछे वीडियोस देखेंगे तो आपको कम मिलेगी कि मेहनत नहीं है, लेकिन इस खाद के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत भी इन द सेंस ऐसे है कि ये आपको ईज़िली आपके घर में अवेलेबल नहीं होगी, तो आपको थोड़ी सी भागदौड़ करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा और इसको लाना पड़ेगा, क्योंकि जो ये चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये घरों में अवेलेबल इजीली, मोस्टली मतलब 98% लोग होंगे जिनके घर में ये अवेलेबल नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ क्या है। लीजिए दोस्तों, ये है ये चीज़, इसको बोलते हैं सरसों की खली। ये सब घरों में नहीं होती क्योंकि हमारे, जिसे कहते हैं, काम की नहीं है ये, किसी खाने पीने में चीज़ काम नहीं आती। हाँ, ये काम आती है एज ए फर्टिलाइज़र, और कैटल जो हमारे पशु होते हैं जो दूध देते हैं, गाय भैंस, उन बकरी और उन सबको, उनके खाने में। तो इसको आपको थोड़ा सा ढूंढने में आपको वहाँ मिलेगा जहाँ पे कैटल फूड, मतलब उन पशुओं को खाना मिलता है, ये आपको वहाँ मिलेगा। या कभी आप किसी गांव साइड पे जाते हैं तो इजीली वहाँ अवेलेबल हो जाएगा, किसी शॉप से पता करके आप ले सकते हैं। शहरों में भी, मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मुझे मिल गया ये दिल्ली में भी, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इस तरीके से इस पे थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन वो मेहनत जो है वो बहुत ही, आप समझेंगे कि फ्रूटफुल रहेगी। इतनी ज़बरदस्त चीज़ है ये कि इसके बारे में अगर मैं बताने बैठूँ तो ये वीडियो इसके बताने में कि इसके अंदर क्या न्यूट्रिशंस हैं उसी में निकल जाएगा, और आप मैजिकल, लिटरली जो आप अब तक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, केमिकल्स या और भी कोई चीज़, उससे भी ज़बरदस्त ये चीज़ निकलेगी। और आप इतना ज़्यादा इसको देखेंगे बेनिफिट अपने पौधों को, कि सच में जो आपको उसको ढूंढ के इस्तेमाल करने में टाइम आपका लगा है, आप बहुत खुश हो जाएंगे इसका रिस्पांस और इसका रिज़ल्ट देख के। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ इसको हम दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरीका तो ये, देखिए मैंने इस तरीके से रखा हुआ, सेकंड मैंने इसको मिक्सी के अंदर डाला और बिल्कुल टाइम नहीं लगा, जैसे बस एक दो बार ग्राइंड किया और ये मेरे सामने तैयार हो गया। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। जो मैंने ग्राइंड किया है इसको हम जैसे खाद की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो अलग होगा। मतलब ये सीधा ऊपर डाल दिया, इस तरीके से नहीं होगा। हाँ, थोड़ी सी प्रिकॉशंस हैं जो हमें इसको इस्तेमाल करने में करनी पड़ेंगी, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। अच्छा दोस्तों, जैसे ये एक पौधा है तो इसमें ये उठाया हमने फर्टिलाइज़र, ऊपर इसके डाल दिया, इस तरीके से ये नहीं होगा। करना हमें क्या है कि तकरीबन इतनी मिट्टी की लेयर यहाँ तक ये आप हटाएंगे, उसके बाद सरसों का जो ये खली का पाउडर है वो आप डालेंगे और फिर मिट्टी को डाल के उसको मिक्स कर देंगे। ये आपकी जो बेनिफिट्स हैं आपको जो देगी ये, वो बेनिफिट्स आपके ये हैं कि अगर कोई डिज़ीज़, कोई इसमें इन्फेक्शन भी होगा,
रूट के थ्रू जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको भी ये ठीक कर देती है। और आप पत्ते देखेंगे, फ्रूट देखेंगे, फल देखेंगे, मतलब आप मानेंगे नहीं जो आपके पौधों पे इसका असर होगा। और सॉइल, हम मोस्टली हम लोगों के पास सॉइल जो पॉट्स में पड़ी रहती है वो सालों साल तक हम लोग उसको करते हैं, बहुत कम होता है कि दोस्त उसको रिपॉटिंग करें, दूसरी मिट्टी को मिक्स करें। ये जब हम मिक्स करते हैं तो एक तरह से मिट्टी की कंडीशनिंग भी होती है, सॉइल कंडीशनिंग होती है। और फ्रेंड्स एक चीज़ और, बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि ये थोड़ी सी गर्म होती है। इसको अगर आप एक बार इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो 3 महीने बाद आप दोबारा इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं कि हर 5 दिन बाद, 10 दिन के बाद फर्टिलाइज़र की तरह 15 दिन में इसको डाल दिया, नहीं, 3 महीने बाद दोबारा आप करेंगे। एक तो ये हो गया। सेकेंड अब आता है कि ये हार्ड हमारे पास जो ये हैं केक्स, इनका क्या करेंगे फ्रेंड्स? इसकी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं और वो भी बहुत ही गजब का और ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र है। तो मैं आपको बताता हूँ करना क्या है, वो बहुत सिंपल सा काम है। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये पानी की हमने एक बकेट ले ली है और इसमें मैं इन जो ये हमारे सरसों की खली है ये मैं इसमें डाल रहा हूँ। लीजिए, ये मैंने इसमें डाल दी है। अब देख रहे होंगे कि ये पानी को अच्छी तरह सोक कर लेगी और इसको आप रख सकते हैं 1 हफ्ते के लिए भी कि ये प्रोसेस चलता रहे, इसको ढक के रख दीजिए। और नहीं तो 1 दिन में भी ये जो है तैयार हो जाएगी। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं कि थोड़ा ज़्यादा ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो इसको बीच बीच में जब भी आपको टाइम मिले इसको हिलाते रहें ताकि अच्छी तरह जो ये सोख कर ले और मिक्स हो जाए पानी के अंदर। दोस्तों ये 3 दिन के बाद देखिए कि ये हमारा तैयार हो गया और कलर भी इसका पीला सा है, काफ़ी अच्छी तरीके से डिल्यूट हो गया है। तो दोस्तों इसका करना अब क्या है, इसको यूज़ कैसे करना है, ये थोड़ा सा प्रिकॉशन वाली चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। और क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ तो ये थोड़ा सा गर्म होता है और आजकल गर्मियाँ भी चल रही हैं तो जो इसकी रेशो रहेगी, रेशो मैं आपको बताता हूँ। आप ये देखिए कि ये 1 कप मैंने इस फर्टिलाइज़र का लिया है तो इसके अंदर गर्मियों में मैं 15 कप पानी के डालूंगा और सर्दियां होंगी तो 10 कप कर दीजिए, लेकिन क्योंकि गर्मियां हैं तो मैं 12 से 15 कप पानी के एक, अगर ये मैं मतलब वो रेशो इंक्रीज़ होती जाएगी। तो आप ये देख लीजिए कि अगर 1 लीटर मैं पानी लेता हूँ, ये सॉल्यूशन लेता हूँ तो 15 लीटर पानी मैं इस्तेमाल करूँगा उस सॉल्यूशन के अंदर, ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करूँगा तो 1 लीटर ये और 15 वो। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, इस बात को आपने ध्यान रखना है। ये फर्टिलाइज़र बेहद ही गजब का और बहुत ही बढ़िया है और उसी हिसाब से इसको इस्तेमाल भी करना है। तो मैं होप करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके बेहद काम की होगी। थोड़ी सी इसमें मेहनत है, आपको थोड़ा सा इसको ढूँढना पड़ेगा, ढूँढिएगा, इसको इस्तेमाल कीजिएगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप सच में ये आपको पे ऑफ करेगा जितनी भी आप मेहनत इसको बनाने में करेंगे पे ऑफ। और ये जो मुझे कॉस्ट किया है ये अप्रॉक्स 40 रुपीज़ केजी, 1 किलो जो मुझे मिला है वो 40 रुपये के करीब मिला है। तो मैं होप करता हूँ फ्रेंड्स कि आप इसको डेफिनेटली एक बार तो ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और एक बार करेंगे तो आपको आप फ़र्क देखेंगे, तो आप इसको बार बार करेंगे, आपके फूलों का कलर, आपके पत्तों का कलर, आपके फल इतने अच्छे आएंगे। आप इसको किसी में भी इस्तेमाल करते हैं, सब्जियों में, हर जगह, हर पौधे पे, हर पत्ते पे। लेकिन प्लीज़ क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा, ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये गर्म है तो थोड़ा सा फ़र्क पौधे के ऊपर पड़ सकता है। क्योंकि दोस्त चाहते हैं कि खूब फर्टिलाइज़र हम दे दें, ऐसा नहीं है। रेशो इसकी गर्मियों के अंदर 1 लीटर ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो 15 लीटर पानी, सर्दियों में वो आप 10 कर दीजिए, 1 ये और 10 पानी, लेकिन अब गर्मी है तो 15 लीटर पानी और 1 लीटर सॉल्यूशन।
तो होप करता हूँ फ्रेंड्स अब आप इसको वर्कआउट करेंगे और मुझे थोड़ा सा बताएंगे भी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है हम लोग जो बनाते हैं वीडियोज़। और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, उसके साथ एक बेल आइकन आता है उसको क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि ये दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए तो आप मेरी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें एब्सोल्युटली फ्री हैं और होप करता हूँ आप ये सब करेंगे। लाइक तो एक बनता ही है, और अगर कुछ आपको मेरे से पूछना है या मुझे कुछ बताना है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा आपको उस बात का जवाब देने के लिए। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू।